कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह एक बार फिर शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का तीसरा दिन है। उनके साथ उनके बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता चल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत खरगोन जिले के खेरदा गाँव से हुई। आपको बताएं, यहाँ से यात्रा बड़वा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी शाम को ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका नर्मदा पूजन का कार्यक्रम है। आज राहुल गांधी 23 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभु दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रभु, देखिए, कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में आज तीसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। क्या कुछ अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए आज से आप बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इस तरह पूरे चरम पे है। मध्य प्रदेश में इसका लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज राहुल गांधी का विशेष कार्यक्रम है ओंकारेश्वर दर्शन का। लगातार आपको एक चीज बता दें आपसे कि इससे पूरी यात्रा में हर चीज को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ तो जैसे जो बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक समय आती थी कि धार्मिक नहीं है कांग्रेस और दूसरी चीजों को मान्यता नहीं देती, हिंदू धर्म से अलग देखा जा रहा है, उसी तर्ज पे आज राहुल गांधी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद नर्मदा जी की विधिवत पूजा करने के बाद उनकी आरती करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम बना करके इस यात्रा को ये भी दिखाया गया है कि नर्मदा के किनारे, जैसे आज आप समझ लीजिए कि जो खरगोन और खंडवा है वो भी नर्मदा जी के किनारे है। नर्मदा माई की परिक्रमा करने वाले का ऐसा मान्यता है कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो राहुल गांधी उस कड़ी में भी आज आगे आ रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का शंकर जी की पूजा करेंगे और नर्मदा जी की भी पूजा करेंगे, उसके साथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आयुष की सबसे बड़ी बात है कि जो यात्रा है, यात्रा के जो राजनीतिक मायने हैं उसके तहत में जी, जो कल टांडिया मामा की नगरी में टांडिया भील था उनके उसको मामा भी बोलते हैं यहाँ मध्य प्रदेश से। दो मामा हो गए हैं, टांडिया मामा हो गए हैं, दूसरे शिवराज मामा हो गए। तो टांडिया मामा की नगरी पे जो कल राहुल गांधी वहां पर जाकर के उन्होंने सभा करी, सभा करने के बाद जो उन्होंने बात करी है तो वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जिस तरह से यहाँ पर आदिवासियों का और उनके उनको जिस तरह से बनवासी कहा जा रहा है ये बात ठीक नहीं है, उससे भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी यहाँ से आदिकाल से बस रहे हैं और उनकी ये जन्मस्थली है और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पूरे मध्य प्रदेश का वो गौरव है और गौरव के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाती है तो उसके लिए उनको अगर बनवासी कहती है तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए। तो ये बहुत सारे चीजों को ध्यान में रख करके, जैसे कल उन्होंने टांडा भील के यहाँ पर जाकर के उन्होंने सावरकर का नाम नहीं लिया और उसको बिना नाम लिए उन्होंने आरएसएस को निशाना बनाया है। साथ ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिस तरह से यात्रा है, कांग्रेस ही पूरी तरह से चल रहे हैं, तो आने वाले समय में एक साल में यहाँ पर चुनाव है, उसको देखते हुए जो 6 जिलों से जो यात्रा गुजरेगी उसमें से पूरी तरह से ये दिखाया गया कि कांग्रेस किस तरह से मजबूत है और यहाँ पर मजबूती के साथ में कांग्रेस आज भी खड़ी है। क्योंकि आपको एक चीज और बता दें कि जो मालवा क्षेत्र है वो आरएसएस गढ़ माना जाता है और मालवा निवाड़ के क्षेत्रों में से लगातार पहले से भी ये देखा जाता था कि आरएसएस जो है वहां से मजबूती है, अपना सब संगठन चलाती थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है। उसी क्षेत्र से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और पूरे मालवा निवाड़ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसी क्षेत्र में दो ज्योतिर्लिंग आते हैं, एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दूसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो पहले चरण में ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को की पूजा करने के बाद राहुल गांधी महाकालेश्वर की भी पूजा करेंगे। आपको बता दें आयुष कि मध्य प्रदेश में जब भी राजनीतिक हलचल होती है, जैसे जनवरी आता है तो जब राजनीतिक रैलियां शुरू होती है तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा महाकालेश्वर की पूजा करते हैं, वहीं से वो पूरे मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों का आगाज करते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि उनके पहले ये राहुल गांधी की पहली पूजा होगी और महाकालेश्वर को लेकर के अब चुनावी वर्ष भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टि से भी मायने करता है कि धार्मिक राजनीति को धर्म से जोड़ने के साथ में जो ये मैसेज जाएगा पूरे में जाएगा कि राहुल गांधी की जो छवि ये कहते हैं
कि कहीं से कहीं तक कि ये धार्मिक नहीं है, मंदिरों का मानना करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थितियों में लोगों के बीच में एक मैसेज ये भी गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, मंदिरों पर आस्था रखते हैं और भगवान से उनकी पूरी निष्ठा और लगन है। आयुषी जी प्रभु देखिए साथ ही में देखते हैं कि जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है अभी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को। देखिए भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है और इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का से बात न करके अगर लोगों की बात करें तो उसमें ये समझ में आता है। आज तक एक सबसे अहम मुद्दा ये भी था कि ये बोला जाता था कि महलों में रहने वाले, इटली में रहने वाले राहुल गांधी को भारत देश के लोगों से क्या नाता है, उनका जुड़ाव नहीं है, वो गरीबी नहीं जानते हैं, ये सारी चीजें प्रोपोगंडा के रूप में फैलाई जाती थी, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे भारत देश में जो एक योजना लागू की गई थी, जो गरीबी रेखा वाली योजना लागू की गई थी, काम के बदले अनाज था, तो महाराष्ट्र के एक गांव में जाकर के राहुल गांधी ने उस योजना को चालू करवाया था जी। आप ये देखिए कि उसी के तहत में आज भी गरीबों के घर में जाकर के गरीबी की बात करके राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया है कि हमारा गरीबों से नाता है और मध्य प्रदेश में जनता से जुड़ाव करने के लिए वो लोगों के घर में जा रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज उनके आड़े नहीं आ रही है कि जो जनता से मिलने के बीच में उनके बीच में दूरियां हों। हालांकि ये यात्रा जो है एक छोर में जा रही है, मालवा निवाड़ के क्षेत्र में जा रही है, लेकिन वहां से जो लोग दूर दराज गांवों से आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के दूसरे छोर से लोग आ रहे हैं, उस यात्रा का मैसेज निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में उजागर के बताएंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी के हालात है मध्य प्रदेश में, आज के हालात में अगर मान लीजिए बिंद क्षेत्र की बात करें और तो वहां पर जहां पर पूरी 30 की 30 सीटें चार भागों में व्यक्त किया मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश में आज जो बिंद क्षेत्र की 30 सीटें हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना सर्वे करवाया है जिसमें ये बताया गया है कि 22 सीटों पे वो अभी चुनाव हार रहे हैं। तो ये सर्वे लगातार सर्वे भी एक तरह से चल रहा है मध्य प्रदेश में, 8-8 सर्वे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें अभी स्थितियां जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें जनता का जुड़ाव कांग्रेस के प्रति और ये दिख रहा है वहां पर जिस तरह से सैलाब दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लोग आत्मीयता के साथ जुड़ रहे हैं, लोकल लोग जुड़ रहे हैं, उसमें राजनीतिक लोग तो खैर अपने अपने उसके लिए महत्वाकांक्षा के लिए और दूसरी चीजों के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन जो वहां का आम नागरिक है, मध्य प्रदेश का जो आम जनता है, वो जिस तरह से उनके साथ जुड़ रही है वो आत्मिक। जैसे कल एक बात सामने आई, एक लेडीज थी, उसने प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए राहुल गांधी के बारे में कि आपके और प्रियंका के झगड़े होते हैं क्या। उसने उन्हें आपस में पूछा तो उनने बोला कि बचपन था हमारा, जब दादी थी तो हम दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब देते हुए राहुल गांधी लोगों को अपने साथ में एकदम आत्मीयता से अपने फैमिली के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसका एक मैसेज निश्चित तौर पर जाएगा जो कांग्रेस के प्रति राहुल गांधी के प्रति प्रेम और सद्भाव को बढ़ाएगा, मोहब्बत बढ़ाएगा और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के लिए भी अच्छे संकेत है। जी प्रभु देखिए अभी आपने राहुल गांधी की छवि की बात की तो एक बार इस पर नजर डालते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद, यानी कि अब जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की छवि में कितना फर्क आया लोगों को लेकर। देखिए पहले आप ये समझिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले लोग इतने नजदीक से राहुल गांधी के पास नहीं आए थे जितनी नजदीकी से आज आए हैं। पहले तो ये बताया जाता था कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते हैं, लोगों से मिलते नहीं है, और एक उनकी एक छवि बनाई गई थी कि एनएसजी के जो उनके पास जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को तोड़ करके कोई अंदर नहीं जा सकता, मिलने के लिए लोग बोलते थे कि दिल्ली जाओगे तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन आज जब राहुल गांधी यहाँ आ करके लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, सामान्य से खाना खा रहे हैं, उनके लोग ढाबे में चाय पी रहे हैं तो ढाबे वाला भी उनसे मिल रहा है, उनसे गांव का आदमी भी मिल रहा है, जो कोई जा रहा है उनसे सहज भाव से मिल रहा है। तो मिलने उसको नहीं आना था, यहाँ पर राहुल गांधी खुद उसके घर में जाकर के मिल रहे हैं, तो मिलने से जो आत्मीयता बन रही है, जो जुड़ाव हो रहा है, वो एक फैमिली जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार के तहत वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं,
उन मुलाकात के कारण उनकी जो छवि बन रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा आ गया हो, जैसे मेरा भाई आ गया हो, जैसे मेरे घर का कोई परिवार सदस्य आ गया हो। उस छवि के तहत लोग अब उनके साथ में अपने परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही मायने रखता है और माइलेज देगा आगे आने वाले समय में। आयुषी जी प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।